का और बहुत सारी ब्रांचेस के लिए निकाला है तो जो भी नंबर ऑफ वेकेंसी सी इन दिसवर्टीजमेंट अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बट कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड जो है वो वन से फोर ईयर तक है एंड द सेलरी दैट बी गेटिंग इज थर्टी थाउजेंड फॉर द फर्स्ट ईयर थर्टी थ्री फॉर द सेकेंड थर्टी सिक्स फॉर द थर्ड एंड थर्टी नाइन फॉर द फोर्थ तो डिपेंड करता है कितना एक्सटेंड करती है कंपनी ओके बट रेमुनरेशन ठीक है और इट्स इट्स अ मिनी पीएसयू तो इसका एक्सपीरियंस काफी काउंट uh, करेगा बट वन थिंग दे हैव डिमांडेड इज कि एक साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए ओके okay? ये दिस इज व्हाट दे हैव डिमांडेड एंड द अपर एज लिमिट इज 28 इयर्स बाकी अदर uh, कैटेगरीज के लिए द रिलैक्सेशन इज एज पर द नॉर्म्स ओके सो अपर एज लिमिट इज ट्वेंटी एंड मिनिमम वन ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए तुम्हारे पास द ब्रांचिज दैट आर एलिजिबल आर मकैनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस ओके मकैनिकल के लिए सिक्सटीन फाइव थ्री दैन इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए इट्स इलेक्ट्रिकल uh, के लिए एक ही वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सिविल के लिए तीन है कंप्यूटर के लिए भी एक है तो सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल के लिए तो आ, अच्छी ऑपर्चुनिटी ओके एंड बाकी ऑब्वियसली uh, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं सी लेट्स मूव अहेड आई हैव टोल्ड यू आई एम ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द मैक्सिमम एज लिमिट इज 28 इयर्स एंड uh, अगर जो भी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बीटेक में वो है 60% सी दिस इज रिटन ओवर हियर अच्छा वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू दैट जो भी ये एक्सपीरियंस होना चाहिए ये एकेडमिक या टीचिंग में अगर होगा तो नहीं माना जाएगा तो ये रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडस्ट्री में ओके सी इट्स रिटर्न दैट कैंडिडेट्स मस्ट प्रोजेस मिनिमम वन ईयर एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट इंडस्ट्री और ऑफिस तो टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा रिसर्च वर्क का एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा हाउएवर अगर तुमने अप्रेंटिसशिप कर रखी है वो कंसिडर किया जाएगा ओके okay? तो एक साल का एक्सपीरियंस काफ़ी कम रहता है यार मतलब आई थिंक जो भी तुम लोग देख रहे हो काफी लोगों के पास एक साल का वर्क एक्स होगा और इंडस्ट्री में ही होगा तो मेरे हिसाब से तुम्हें अप्लाई कर देना चाहिए क्योंकि सैलरी सैलरी इज गुड आई मीन मकैनिकल वालों को इन इन फील्ड्स में इनमें से किसी फील्ड में नॉलेज होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स uh, वालों को भी उनके लिए स्पेसीफाई uh, कर रखी हैं फील्ड्स ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पीडीएफ डोंट वरी अबाउट दिस तो नोटिफिकेशन तुम पढ़ सकते हो लेट्स मूव ऑन टू द सैलरी सैलरी थर्टी थाउजेंड है थर्टी थ्री थाउजेंड थर्टी सिक्स थर्टी नाइन पर मंथ फॉर फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर ओके। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है देखते हैं देखो जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ना वो डिपेंड करता है तुम्हारे परसेंटेज मार्क्स सिक्योर्ड इन बी टेक ठीक है उन्होंने लिखा हुआ है कि फॉर ईच परसेंटेज ऑफ क्वालिफिकेशन विलो एलोकेट वन मार्क ठीक है लेकिन मैक्मम सेवेंटी फाइव मिल सकता है अगर तुम्हारे अस्सी परसेंट है तो अस्सी मार्क्स नहीं मिलेंगे सेवेंटी फाइव मिलेंगे ठीक है उसके बाद रेलिवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एक साल का है तो तीन मार्क्स दो का है तो छः तीन का है तो दस या फिर तीन से ज़्यादा है तो भी दस एंड द रेस्ट मार्क्स आर एलोकेटेड फॉर इंटरव्यू फिफ्टीन मार्क्स ओके और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ मांगी है कि कैंडिडेट्स हैव टू कंपल्सरली प्रोवाइड द सी जी पी ए कन्वर्जन टू परसेंटेज ऑफ मार्क्स एज पर द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाई द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी ओके ये नहीं भूलना है उसके बाद तो मैं इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे एंड वन एस टू सेवन के रेशो में कॉल किया जाएगा एंड देन तुम्हारी मेरिट बन जाएगी उस पर सिलेक्शन करेगा ओके सो यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन और ऑनलाइन का लिंक इसी नोटिफिकेशन में मिल जाएगा या फिर uh, मैं अलग से भी डाल दूंगा एंड दीज आर द डॉक्यूमेंट्स दैट यू हैव टू अपलोड डोंट वरी यू विल गेट दिस डॉक्यूमेंट सो नो वरीज अबाउट दैट ओके इट्स अ नाइस अपॉर्चुनिटी यू कैन अप्लाई इफ यू हैव वन ईयर ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस और काफ़ी ब्रांचेज एलिजिबल हैं इसमें सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट ऑल द बेस्ट